तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का माइनक्राफ्ट की एक और वीडियो में। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं एक छोटा सा मशरूम हाउस। तो गाइस, उसके लिए हमें स्टार्टिंग में तो चाहिएगी यहाँ पे दो ब्राउन मशरूम। एंड गाइस, वो अगर हम लोग बनाने वाले हैं यहाँ पे, बिल्कुल छोटा सा होगा गाइस, एकदम मस्त सा। तो गाइस, सबसे पहले तो हमें एक मशरूम ग्रो कर लेनी है। एंड देन उसके बाद गाइस, हमें जाना है मशरूम के ऊपर। तो यहाँ से चलते हैं मशरूम के ऊपर। तो चलो गाइस, मशरूम के ऊपर आने के बाद इसके बीच वाले, जहाँ पे मतलब कि मशरूम ग्रो हुई है, वो वाला पार्ट देखना है हमें। एंड कौन सा है वो वाला पार्ट, आई थिंक ये है। तो चलो गाइस, हमें यहाँ पे दो ब्लॉक माइन कर लेने हैं। एंड उसके बाद गाइस, यहाँ पे तो यहाँ पे हमें गाइस एक डर्ट ले लेनी है। एंड यहाँ पे एक डर्ट लगा के यहाँ पे फिर से हमें मशरूम ग्रो करनी है कुछ ऐसे करके। तो चलो गाइस, यहाँ पे दो मशरूम यहाँ पे अपनी ग्रो हो गई है। तो गाइस, यहाँ पे अभी अपनी दोनों मशरूम ग्रो करने के बाद हम लोग आ गए हैं अभी इसके नीचे। एंड गाइस, नीचे आने के बाद हमें यहाँ पे सबसे पहले लगाना है एक स्लैब। एंड उसके बाद गाइस, हमें लगानी है यहाँ पे एक ट्रैप डोर कुछ ऐसे करके। एंड यहाँ पे भी गाइस हमें एक स्लैब, ये गलत लग गया, ऊपर लगेगा ये। तो चलो गाइस, यहाँ पे लगेगा एक स्लैब एंड एक ट्रैप डोर। एंड ट्रैप डोर के बाद गाइस यहाँ पे लगेगी दो उल्टी स्टेयर। एंड बीच में लगेगा गाइस यहाँ पे स्टेयर। एंड ऐसा ही गाइस, अभी हमें चारों तरफ बनाना है, मतलब कि स्टार्टिंग में लगेगा एक स्लैब एंड वो भी गाइस ऊपर की तरफ करके। एंड उसके बाद गाइस ऊपर लगेगा एक ट्रैप डोर इस तरफ, दूसरा ट्रैप डोर इस तरफ। एंड फिर लगेगी गाइस दो उल्टी स्टेयर एंड उसके बाद एक स्लेब लगेगा इसके बीच में। तो ऐसा गाइस हमें इसके चारों तरफ बनाना है। तो यहाँ पे मैं जल्दी से बना देता हूँ एंड उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ यहाँ पे। तो गाइस, नीचे चारों तरफ बनाने के बाद अभी चलते हैं इसके ऊपर दोबारा से। एंड ऊपर जाके गाइस, मैंने इसकी हाइट कर दी है अभी 5 ब्लॉक, मतलब कि इन दोनों के बीच का गैप है यहाँ पे 5 ब्लॉक। पहले गाइस ये थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो गई थी, तो उसका गाइस आप भी ध्यान रखना यहाँ पे। एंड क्रीपर देखो गाइस कहाँ पे स्पॉन हुआ है। तो चलो गाइस, दोबारा से वैसे ही यहाँ पे करना है सेम, मतलब कि नीचे की तरफ लगेगा कोनों में ट्रैप डोर। एंड उसके बाद गाइस यहाँ पे लगेंगे ट्रैप डोर। एंड उसके बाद गाइस यहाँ पे लगेगी सीधी स्टेयर। एंड उसके बाद गाइस यहाँ पे लगेगा एक स्लेब। तो ऐसा ही गाइस, हमें यहाँ पे भी चारों तरफ बनाना है। तो जल्दी से मैं यहाँ पे भी बना देता हूँ एंड उसके बाद आप लोगों से दोबारा से मिलता हूँ। तो गाइस, ऊपर भी ऐसे डेकोरेशन बनाने के बाद अभी हमें ले लेने हैं ग्लास पेन और ग्लास। तो गाइस, ये जो स्लेब है इसके ऊपर हमें लगाना है ग्लास पेन, जो कि स्टार्टिंग में ही हमसे गलत लग गया एक। तो चलो गाइस, इनको लगा देते हैं एक बार तो बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से। एंड इसको गाइस हम लोग तोड़ लेते हैं क्योंकि ये गलत लग गया था। तो एंड अभी गाइस हमें यहाँ पे लगाना है दोबारा से ग्लास, लगाना है गाइस हमें यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें लगा देने हैं पूरा का पूरा ग्लास, मतलब कि गाइस यहाँ पे पेन नहीं लगाने, ग्लास लगाने हैं। एंड क्रीपर यहाँ पे फूट गया एंड उसने कांड कर दिया थोड़ा बहुत। तो चलो गाइस, उसको इग्नोर मारो अभी तो। एंड अभी गाइस इसको हमें ऊपर यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। एंड क्रीपर ने गाइस हमारे यहाँ पे ग्लास पेन भी तोड़ दिए थोड़े बहुत, तो बट चलो कोई दिक्कत नहीं गाइस, दोबारा से लगा देते हैं। तो चलो गाइस, यहाँ पे अभी एक एक ग्लास पेन लग जाएगा गाइस यहाँ पे। एंड उसके बाद गाइस यहाँ पे फिर से लगेगी ग्लास पेन। तो गाइस, यहाँ पे हमने थोड़े से गलत लगा दिए थे ग्लास। तो गाइस, हमें यहाँ पे लगाने हैं सबसे पहले इस स्लेब के ऊपर लगाने हैं गाइस ग्लास पेन। एंड उसके बाद गाइस इसके बिल्कुल सामने ही हमें यहाँ पे लगाने हैं पूरे प्रॉपर ग्लास। एंड उसके बाद गाइस हमें यहाँ पे लगाने हैं ग्लास पेन कुछ ऐसे करके। तो इसमें गाइस हमें पूरे में यहाँ पे लगाने हैं ग्लास पेन कुछ ऐसे करके। एंड उसके बाद गाइस यहाँ पे फिर से लग जाएगा एक और ग्लास। एंड उसके बाद गाइस यहाँ पे फिर से ऐसे ही लगेंगे ये ग्लास पेन।
कुछ ऐसे ही करके। एंड यहाँ पे आ जाएंगे गाइस ग्लास, एंड ये कनेक्ट हो जाएगा गाइस यहाँ पे। एंड उसके बाद गाइस फिर सेम यहाँ से बिल्कुल वैसे ही सेम जैसा कि हमने लगाया था स्लेब के ऊपर, ये कुछ ऐसे करके। तो ऐसे ही गाइस हमें चारों तरफ इसमें ग्लास लगा देने हैं, तो जल्दी से मैं ग्लास यहाँ पे लगा देता हूँ एंड उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ बस 2 मिनट में। एंड ये देखो गाइस जो अभी नई वोल्फ आई है, मतलब कि अलग अलग बायोम की, तो जंगल बायोम की तो ये रही गाइस, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो यहाँ पे दो दो घूम रही है। तो चलो गाइस अभी यहाँ पे जल्दी से ग्लास लगा देते हैं एंड उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ यहाँ पे। तो चलो गाइस यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट तो ग्लास लगा दिए एंड थोड़े बचे हैं वो गाइस हमें लगाने पड़ेंगे इसके अंदर जाके। तो चलो गाइस यहाँ पे अभी इसके लिए बना देते हैं रास्ता, जिससे कि गाइस हम लोग जाएंगे इसके ऊपर। तो यहाँ पे कुछ ऐसे करके गाइस हमें इसका रास्ता बनाना है एंड अभी हमें यहाँ पे कनेक्ट करना है कुछ ऐसे। एंड ऐसे करते हुए गाइस हमें इसके ऊपर तक जाना है, देखते हैं गाइस ऐसे ही जाते हैं या फिर थोड़ा सा अलग डिजाइन है। तो कुछ ऐसे करके हमें इसके ऊपर तक ऐसे रास्ता बना देना है, जो कि थोड़ा सा गलत हो गया शायद से, तो क्योंकि गाइस ऊपर ब्लॉक की जगह नहीं बचेगी जिससे कि गाइस हम लोग देखो इसके ऊपर नहीं चढ़ पाएंगे। तो थोड़ी सी गाइस देख के आता हूँ एक बार मैं उसने कैसे रास्ता बनाया एंड उसके बाद गाइस यहाँ पे इसका ये रास्ता दोबारा से बिल्ड करते हैं। तो चलो गाइस अभी दोबारा से इसके लिए सीढ़ियाँ बनाते हैं। तो गाइस सीढ़ियाँ हमें कुछ ऐसे बनानी है, स्टार्टिंग में हमें लगाना है एक स्लैब एंड उसके बाद गाइस कुछ ऐसे करके एंड देन फिर इसको गाइस हमें तोड़ देना है एंड यहाँ पे लगानी है दूसरी, फिर यहाँ पे गाइस एक और लगा के उसको ऐसे आगे तक लाकर इसको गाइस हमें फिर से ब्रेक करना है एंड उसके बाद यहाँ पे इस ऊपर वाली पे हमें लगाना है एंड उसके बाद गाइस यहाँ पे कुछ ऐसे करके एंड फिर से गाइस इसको हमें तोड़ देना है एंड अभी कुछ ऐसे एंड उसके बाद गाइस कुछ ऐसे करके यहाँ पे आएगी ऐसे। तो ऐसे करते हुए गाइस हमें यहाँ पे इसके पूरे में ऐसे इसको घुमा देना है एंड गाइस यहाँ पे ये वाला ब्लॉक तोड़ के भी हमें स्लैब ही लगा देने हैं कुछ ऐसे करके। एंड जो एक दो एक्स्ट्रा गाइस पहले से लगे हुए उनको भी तोड़ देते हैं यहाँ पे। तो एक तो गाइस यहाँ पे ये है, इसको तोड़ देते हैं जल्दी से एंड एक ये है। तो चलो गाइस अभी हम लोग चलते हैं इसके ऊपर कुछ ऐसे करके एंड गाइस जहाँ से ये अड़ना शुरू हो जाती है, मतलब कि जहाँ पे ये मशरूम है हमारे रास्ते में सिर पे टकराने लगेगी, तब हमें इसको भी ब्रेक करना है एंड जहाँ तक गाइस हम लोग इसके ऊपर चढ़ेंगे वहाँ तक हमें इसको ब्रेक कर देना है हमें। तो यहाँ पे कुछ ऐसे करके हमें इसके ऊपर आ जाना है। तो अभी गाइस चलो हम लोग आ गए हैं इसके बिल्कुल एकदम अंदर एंड यहाँ पे गाइस एक दो स्पॉट बचे हैं जहाँ पे मैंने ये नहीं लगाए हैं ग्लास वगैरह, तो यहाँ पे भी गाइस हम लोग लगा देते हैं एंड ग्लास पेन की थोड़ी सी कमी रही है तो इसको दोबारा से बनाते हैं एंड दोबारा से ग्लास पेन लगा देते हैं। तो कहाँ पे रह रहे हैं गाइस, तो एक लगेगा यहाँ पे, ये ग्लास पेन लगाना है हमें कुछ ऐसे करके एंड उसके बाद यहाँ पे हमें ऐसी से कनेक्ट कर देना है एंड और कहीं पे भी बचा के एक यहाँ पे बचाया गाइस। तो यहाँ पे भी हमें यार अभी नीचे गिर रहे हैं, तो एक मिनट गाइस यहाँ पे भी हमें कुछ कैसे लगाने हैं ऐसे करके, हमें यहाँ पे भी स्लैब पूरे कनेक्ट कर देने हैं, स्लैब नहीं सॉरी गाइस ये ग्लास पेन। तो इनको यहाँ पे कुछ ऐसे लगा देने हैं हमें एंड अभी गाइस ये लास्ट स्पॉट बचा है जिससे के बाद हमारे ग्लास पेन यहाँ पे लग के रेडी हो जाएंगे एंड उसके बाद गाइस हमारी ये छोटा सा मशरूम हाउस बन के रेडी है। बस इसके अंदर हमें सामान शिफ्ट करना है, लेकिन उससे पहले गाइस अभी रात हो गई है तो एक बार सो जाते हैं नीचे चल के, मिलते हैं हम लोग आप लोगों से अगली सुबह। तो चलो गाइस अभी हम लोग आ गए हैं अगली सुबह एंड गाइस अभी हमें कुछ ऐसे इसके चारों कोनों में चेस्ट वगैरह लगा देनी है एंड इसके गाइस बीच में ऐसे डेकोरेशन के लिए आप लोग प्लांट वगैरह बना सकते हो, जैसे कि गाइस यहाँ पे मैंने लगा दिया एक, तो यहाँ पे ये लगा दिया फेंस एंड उसके ऊपर गाइस यहाँ पे ट्री, ऐसे कुछ आप लोग इसका
क्या करते हैं, डेकोरेशन कर सकते हो। एंड गाइस यहाँ पे आप लोग ये भी लगा सकते हो जिससे कि इसका लुक थोड़ा सा बढ़िया आए। एंड इसके अंदर गाइस आप लोग जितने चाहो उतने ये कारपेट वगैरह बिछा लेना। एंड उसके बाद गाइस हमें दोबारा से चाहिएगी थोड़ी बहुत और जंगल स्टेयर, तो वो भी जल्दी से यहाँ पे क्राफ्ट कर लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा जंगल स्टेयर तो नहीं चाहिए गाइस, हमें चाहिएगी ऑलमोस्ट 4 जंगल स्टेयर। एंड उसके बाद गाइस हमें चाहिएंगे बहुत सारे स्लैब, तो स्लैब भी बना लेते हैं। तो चलो गाइस इतने स्लैब तो आई थिंक काफ़ी हो गए, हमने बहुत ज़्यादा ही बना लिए कुछ। एंड गाइस अभी हमें यहाँ पे ले लेनी है स्टेयर एंड स्लैब। एंड उसके बाद गाइस यहाँ पे हमें लगानी है स्टेयर, कहाँ पे लगानी है हमें, 1 2 3 यहाँ पे लगानी है गाइस शायद से, तो हमें स्टेयर उल्टी स्टेयर लगानी है गाइस हमें यहाँ पे। इसके सिर्फ और सिर्फ 3 तरफ लगानी है गाइस, एक तरफ हमें यहाँ पे, तो इस तरफ भी लगाई देनी है गाइस। ये थोड़ी गलत लगी तो इसको यहाँ पे तोड़ लेते हैं एक बार। एंड कहाँ पे गई अभी, तो चलो गाइस इसको यहाँ पे दोबारा से लगा देते हैं बिल्कुल सही डायरेक्शन में। एंड अभी गाइस इसको हमें यहाँ पे तोड़ देना है एक बार के लिए। यहाँ पे आप लोग चाहो तो स्टेयर लगा सकते हो, या फिर आप लोग मेरी तरह इससे भी काम चला सकते हो, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं गाइस जो भी बोलते हैं इसको बोलते हैं स्कैफोल्डिंग, ये लगा लेना आप, या बेशक स्टेयर लगानी है तो स्टेयर लगा सकते हो। एंड उसके बाद गाइस हमें इस पूरे को कवर कर देना है स्लेब से। तो यहाँ पे मैं जल्दी से, कहाँ पे लग रही है, जहाँ पे लगाने वहाँ पे नहीं लग रहे, लेकिन जहाँ पे नहीं लगाने वहाँ पे जल्दी जल्दी लग रहे हैं। तो चलो गाइस अभी इस पूरे में हम लोग जल्दी से लगा देते हैं स्लैब। तो चलो गाइस यहाँ पे ऊपर आने के बाद आप लोग यहाँ पे अपना बेड वगैरह लगा सकते हो। तो अभी यहाँ पे गाइस हमें बेड एंड फर्नेस वगैरह जो कुछ भी लाइक हम लोग इसमें लगा सकते हैं वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप लोग अपना बेड वगैरह लगा सकते हो, एंड यहाँ पे गाइस आप लोग लगा सकते हो अपने फर्नेस वगैरह, एंड चेस्ट वगैरह भी गाइस आप लोग लगा सकते हो, एंड एनविल वगैरह। एंड इसके ऊपर गाइस आप लोग यहाँ पे लगा देना डेकोरेशन के लिए थोड़ी बहुत ये क्या बोलते हैं इनको ग्लो बेरीज, जिससे कि गाइस इसका जो डेकोरेशन है वो देखने में बाहर से एकदम बढ़िया लगे। तो चलो गाइस इसी के साथ यहाँ पे ऑलमोस्ट अपना घर बन के रेडी है। तो चलो गाइस यहाँ पे आप लोग अगर सीढ़ियाँ लगाओगे तो गाइस थोड़ा और बढ़िया लगेगा, बट गाइस मैंने यहाँ पे एक बार तो स्कैफोल्डिंग ही लगाई है यहाँ पे। एंड यहाँ पे अभी गाइस चलो अपना ऑलमोस्ट मशरूम हाउस बन के रेडी है। तो थोड़े बहुत डेकोरेशन गाइस इसके बाहर की तरफ बचे हैं वो भी कर देते हैं। तो उसके लिए गाइस हमें चाहिएंगे ट्रैप डोर। तो चलो गाइस यहाँ पे हमें 8 ट्रैप डोर और 8 ट्रैप डोर 16 ट्रैप डोर चाहिएंगे, लेकिन गाइस अभी एक बार इतने से ही काम चला लेते हैं हम लोग। एंड अभी एक ट्रैप डोर हमें लगाना है इसके ऊपर कुछ ऐसे करके, मतलब कि गाइस एक ट्रैप डोर तो हमारा लगेगा यहाँ पे एंड एक लगेगा इसके ऊपर, एंड उसको गाइस यहाँ पे कर देना है बंद। एंड ऐसा ही गाइस हमें ऊपर भी बनाना है इसके। तो चलो गाइस यहाँ पे चारों तरफ मैं बना देता हूँ, मतलब कि गाइस यहाँ पे अगर आप लोग ऐसे स्लेब पे ऐसे लगाना, एंड एक ट्रैप डोर फिर आपको स्लेब के ऊपर लगा के फिर से इसको यहाँ पे खोल देना या बंद कर देना गाइस, क्योंकि यहाँ पे देखो इस ट्रैप डोर के नीचे लगाया, ट्रैप डोर के नहीं सॉरी स्लेब के, एंड एक गाइस हमें लगाना है स्लेब के बिल्कुल ऊपर एंड उसको बंद कर देना। चलो गाइस यहाँ पे ऐसा ही डेकोरेशन हमें इसके बिल्कुल ऊपर भी करना है, तो चलते हैं जल्दी से इसके ऊपर। तो चलो गाइस यहाँ पे ऊपर भी चारों तरफ लगाने के बाद अभी हमें इसके बिल्कुल मिडल वाले ब्लॉक में हमें लगाना है एक स्लैब। तो यहाँ पे एक स्लैब लगा देते हैं बिल्कुल मिडल वाले ब्लॉक में। तो चलो गाइस एंड इसके चारों तरफ गाइस हमें लगा देने हैं ट्रैप डोर, जिससे कि गाइस ये देखने में ऊपर से भी बढ़िया लगे। एंड इसको गाइस हमें यहाँ पे तोड़ देना है क्योंकि ये गलती से एक ज़्यादा लग गया। तो चलो गाइस अभी इनको नीचे जाके ये हटा देते हैं। एंड गाइस यहाँ पे आप लोग अभी इनको भी आपस में कनेक्ट कर सकते हो कुछ ऐसे करके, मतलब कि इन चारों को गाइस यहाँ पे मिला देना आप लोग। अच्छा फिर से कमी पड़गी। तो चलो गाइस अपने पास से जंगल वुड काफ़ी ज़्यादा है तो थोड़े बहुत और बना लेते हैं, एंड इनको भी गाइस पूरा कनेक्ट कर देते हैं। तो
चलो गाइस यहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही हमें इनको चारों तरफ से गाइस कनेक्ट कर देना है कुछ ऐसे करके। तो चलो गाइस यहाँ पे अभी अपना ये तो बन के रेडी है, एंड थोड़ी बहुत गाइस लाइटनिंग के लिए हमें चाहिएगी यहाँ पे लालटेन। तो जल्दी से आयरन लेके आता हूँ एंड उसके बाद गाइस वो भी लगा देता हूँ जल्दी से, 2 मिनट रुको बस आप। तो चलो गाइस अभी हमें यहाँ पे लगा देनी है इसके चारों तरफ लालटेन कुछ ऐसे करके, मतलब कि गाइस यहाँ पे ये सबसे पहले तो लगानी है हमें आयरन बार एंड उसके ऊपर एक लालटेन एंड एक गाइस हमें नॉर्मली लगानी है, एंड इस तरफ गाइस हमें एक लगानी है फिर से सेम वैसे ही, मतलब कि एक आयरन बार लगानी है लग जा इसके ऊपर, एंड एक गाइस हमें नॉर्मली लगा देनी है जिससे कि गाइस इसके नीचे भी मॉब वगैरह स्पॉन ना हो। एंड उसके बाद गाइस हमें जाना है इसके ऊपर, एंड पहले तो गाइस हमें यहाँ पे जो चेस्ट के ऊपर होती है यहाँ पे लगेगी क्या, नहीं यहाँ पे लगेगी या कहाँ पे लगेगी गाइस वहीं पे ठोक दो, मतलब यहाँ पे तो नहीं लग सकती। तो इसके लिए गाइस इसमें तो लगानी है हमें टॉर्च, एंड ऊपर वाले फ्लोर में गाइस हमें दोबारा से लगानी है क्या बोलते हैं इनको लालटेन। तो गाइस यहाँ पे भी हम लोग ऊपर आके, तो गाइस ऊपर यहाँ में लगानी है बिल्कुल वहाँ पे जहाँ पे गाइस हमने, मतलब कि गाइस जो ये एक आयरन क्या बोलते हैं इसको ग्लास लगाया गाइस उसके सामने हमें लगानी है यहाँ पे पूरे के पूरे में ये लालटेन। एंड अभी गाइस रात भी होगी है तो थोड़ा सा दूर जाके मैं दिखा देता हूँ कि आप लोगों को हमारा ये छोटा सा मशरूम हाउस कैसा लगेगा देखने में, एंड इसके अंदर मॉब स्पॉन हो रही है गाइस देख रहे हो। तो चलो गाइस यहाँ पे अभी आप लोग देख सकते हो अपना छोटा सा मशरूम हाउस कितना बढ़िया लग रहा है, एंड अभी यहाँ पे मॉब वगैरह आ गए तो एक बार चल के सोते हैं गाइस अपने इसके हाउस में, एंड सुबह आप लोगों को कनेक्टेड ग्लास के साथ दिखाते हैं कि ये बिल्कुल आप लोगों को देखने में कैसा लगेगा। तो गाइस यहाँ पे मैंने कर लिया है अपने वर्ल्ड को कॉपी, एंड इस पे गाइस मैंने लगा दिया है अभी कनेक्टेड ग्लास, एंड उसके बाद गाइस आप लोग देख सकते हो कुछ ऐसा लगेगा हमारा ये मशरूम हाउस। एंड ये देखो गाइस हमारा जो पिछली बार हम लोगों ने ये बनाया था पिरामिड ये कुछ ऐसा लग रहा है, एंड गाइस ये देखो अभी ऊपर से खाली है, मतलब कि गाइस जो जो मैंने चीज़ें बना रखी है ऑलमोस्ट सारी की सारी खाली पड़ी है, उनके अंदर कुछ भी नहीं है सिवाय इसको छोड़ के, क्योंकि गाइस ये मैंने एक्वेरियम बनाया था ऑक्जलोटल के लिए एंड इसके अंदर ऑक्जलोटल नहीं है, एंड ये गाइस मैंने बनाया था इंचांटिंग रूम इसके अंदर कुछ भी नहीं है, एंड वो बिल्डिंग बनाई थी गाइस मैंने अपने रहने के लिए उसके अंदर भी गाइस कुछ भी नहीं है, मतलब कि ये बिल्कुल खाली पड़ी है जैसे कि थी। एंड यहाँ पे गाइस अगर आप लोग ग्रीन हाउस के अंदर आओ तो गाइस इसके अंदर भी कुछ है नहीं, मतलब कि जो हमने बनाया था वही का वही पड़ा है। तो बट गाइस एक दिन हम लोग इनके अंदर पूरों के मतलब सभी के अंदर आइटम जो जिस जिस के लिए हमने गाइस ये बनाए हैं इनके अंदर हम लोग वो आइटम रखेंगे, लेकिन अभी तो गाइस एक बार मैं इनको बनाने में फोकस कर रहा हूँ, एंड उसके बाद गाइस हम लोग इनको बाद में दोबारा से करेंगे। एंड गाइस ये जो हमने मेंढक का स्टेचू बनाया था ये गाइस मैं यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा, क्योंकि गाइस यहाँ पे हम लोग और कुछ बनाएंगे पूरा एकदम बड़ा प्रोजेक्ट बनाएंगे गाइस यहाँ पे कुछ। एंड तो इसी के साथ गाइस बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आप लोगों से ऐसे कोई और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।